हेलो गाइस, वेलकम ऑन टैलेंटेड इंडिया और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट बधाई हो में। उन्हें हॉट कहें, सेक्सी कहें या फिर न्यूट कहें, लेकिन इसके साथ साथ वे एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। वे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की हॉट अदाकारा राधिका आप्टे हैं। आज उनका बर्थडे है, इसलिए उनके बर्थडे के मौके पर उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और साथ साथ उनका करियर कैसा रहा, क्या क्या उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, उन सभी से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस स्टार्टिंग से ही बोल्ड नहीं बनती। ज़्यादातर एक्ट्रेस बॉलीवुड में आने के बाद बोल्ड बनी और इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस का बोल्ड होना किसी मुसीबत से कम नहीं होता। जब एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कुछ बोल्ड सीन देती है या न्यूड सीन देती है तो उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को मजबूत रहकर ऐसे सवाल करने वाले लोगों को बेबाकी से जवाब देना होता है। इंडस्ट्री में ऐसी कुछ इमेज बनाई है राधिका आप्टे ने। जी हाँ, जब लोग राधिका के ऊपर सवाल उठाते हैं तो राधिका उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। राधिका आप्टे का जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था और अब वे महाराष्ट्र के पुणे में रहती है। अंधाधुन, पारचेट, मांझी और बाजार जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का परिचय दे चुकी राधिका आप्टे ने करियर की शुरुआत शाहिद कपूर की फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी से किया था। इसके अलावा राधिका आप्टे कई बोल्ड और इंटीमेट सीन भी दे चुकी हैं। राधिका हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में भी फिल्में कर चुकी हैं। राधिका आप्टे फिल्मों के अलावा वेब सीरीज की वजह से भी चर्चा में रहती हैं। राधिका ने नेटफ्लिक्स पर सीरीज लस्ट स्टोरीज, सेक्रेट गेम्स और घोल की, जिसके बाद राधिका की खूब चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पर। यानी कि फिल्मों के अलावा राधिका वेब सीरीज के लिए भी जानी जाती हैं। एक बार की बात है, साल 2015 में अनुराग कश्यप ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। ये फिल्म सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए थी। इससे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाना था। इस फिल्म के लिए अनुराग को जिस तरह की एक्ट्रेस की तलाश थी वो उन्हें राधिका के रूप में मिली। फिल्म में एक न्यूड सीन फिल्माया जाना था जिसे करने के लिए राधिका को कोई एतराज नहीं था। इस सीन में एक्ट्रेस को अपने निवस्त्र होकर स्ट्रॉन्ग सीन देना था। इस रोल के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन राधिका आप्टे ने इस सीन को बखूबी निभाया और इस रोल के लिए हामी भर दी। पूरे एहतियात के साथ सीन को शूट किया गया, मगर कुछ ही समय बाद फिल्म का एक सीन लीक हो गया। जब अनुराग कश्यप को इस बारे में मालूम हुआ तो न सिर्फ उन्हें गुस्सा आया बल्कि इससे राधिका को ही परेशानी के लिए उन्होंने खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। वो तुरंत इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास भी गए थे। बता दें, राधिका आप्टे अपने न्यूड सीन और बोल्ड सीन को लेकर ट्रॉलर्स के निशाने पर हमेशा ही रहती है, पर जब भी सोशल मीडिया पर उनके बोल्ड सीन के चलते उन पर सवाल उठाए जाते हैं तो वे हमेशा लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। बता दें, राधिका मीडिया के सामने एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने कास्टिंग काउच को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने खुलकर बताया था कि किस तरह प्रोड्यूसर ने उन्हें सोने की बात कही थी। बता दें, राधिका के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वे खुलकर मीडिया के सामने बेबाकी से बयान देती है। राधिका हमेशा सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने खुलकर बात करती है, इसी के लिए राधिका जानी जाती है। राधिका को हमेशा न्यूड हॉट और सेक्सी सीन के साथ साथ बेबाकी से बयान देने के लिए भी जाना जाता है। बता दें, राधिका का बर्थडे तो आज हमने आपके साथ सेलिब्रेट कर ही लिया है और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हर रोज हाजिर होते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे राधिका, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।